सुहेलो तीन तिगाड़ा के दीवानों, तो कैसे हो आप सब। तो आज भी मेरे पास काफ़ी सारी अपडेट्स है तीन तिगाड़ा से रिलेटेड, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैम के बारे में। तो सैम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहुत सारे फोटो शेयर किए हुए हैं, जो कि वह उदयपुर गई हुई थी शायद फोटो शूट के लिए ही। तो चलिए मैं आप सभी को सारी फोटोज दिखा देता हूँ। बहकी सभी जुबा है, हम है हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो दोस्तों आप सभी को सैम और उनका आउटफिट कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसके बाद सैम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोई सा भी रील्स और फोटो शेयर नहीं किए हुए हैं। बात कर लेते हैं उनके स्टोरीज के बारे में। तो आप सभी अपने स्क्रीन पर एक बार ये कर वो स्टोरीज देख सकते हैं जो कि उन्होंने शेयर किए हुए थे। साथ ही उन्होंने स्टोरीज में कुछ वीडियो भी शेयर किए हुए हैं, तो चलिए मैं आप सभी को वो दिखा देता हूँ। और ये माटी चूर है, ठीक है। ये पिकल है। दोस्तों यही थी कुछ सैम की तरफ से अपडेट्स। अब हम बात कर लेते हैं स्माइल किंग यानी कि विशाल के बारे में। तो विशाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील्स वीडियो शेयर किया हुआ है सरसों के खेत के अंदर, जो कि है DDLJ मूवी का एक सीन है। तो चलिए मैं आप सभी को वीडियो दिखा देता हूँ। सिमरन, सिमरन, सिमरन कहाँ है यार? लगता है बाबूजी लेके चले गए। और दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं उनके स्टोरीज के बारे में, तो उन्होंने एक ही स्टोरी शेयर किया हुआ है रील को शेयर करते हुए, जो कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यही थी कुछ हमारे स्माइल किंग की तरफ से अपडेट्स। एंड अब हम बात कर लेते हैं भाविन के बारे में। तो भाविन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील वीडियो शेयर किया हुआ है जो कि काफी मस्त है, ऑफिस वीडियो है। तो चलिए मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। जब से देखा है बलमा ने तुमको, न जाने दिल उनका इतना क्यों बेकरार है, इसलिए वो घोड़ी पे यूं सवार है, इसलिए वो घोड़ी पे यूं सवार है। लड़कियां तो हजारों हम पे मरती, मगर इस दिल को बस तुमसे ही प्यार है, इसलिए हम घोड़ी पे यूं सवार है, इसलिए हम घोड़ी पे यूं सवार है। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे अब दिल। यार देख मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा। हाँ, I love you too. क्या? हाँ? जाने तेरी आँखें थी बातें। और दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं उनके स्टोरीज के बारे में, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भाविन का एक डेब्यूट मूवी आने वाला है गुजराती के अंदर, वो डेब्यूट करने वाले हैं इस मूवी से, जिस मूवी का नाम होने वाला है शुभ सांझ। तो उसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्द वो आने वाला है। तो उन्होंने एक स्टोरी शेयर किया हुआ है जो कि आप देख लीजिए। तो आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। एंड ये थी कुछ भाविन की तरफ से अपडेट्स। एंड अब हम बात कर लेते हैं ऋषि के बारे में। तो ऋषि ने एक स्टोरी शेयर किया हुआ है सिर्फ, जो कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड अदनान और नेहा ने अपने अकाउंट पर कोई सा भी एक्टिविटी शेयर नहीं किए हुए हैं। तो दोस्तों यही थी कुछ इनके तरफ से अपडेट्स। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को डेली तीन तीन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।